के सिरोज में जल संसाधन विभाग के उपयंत्री संतोष परिहार के निवास पर लोकायुक्त ने छापामार कार्रवाई की है। बताया जा रहा है कि जल संसाधन विभाग के उपयंत्री संतोष परिहार के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज कराया गया है, जिसकी पड़ताल लोकायुक्त की टीम कर रही है। आपको बता दें कि संतोष परिहार सिरोंज से जल संसाधन विभाग में उपयंत्री है। बताया जा रहा है कि लोकायुक्त तो इनके ऑफिस सहित इनके निवास पर छापामार कार्यवाही कर रहा है। बताया जा रहा है कि संतोष परिहार पर आय से अधिक संपत्ति होने का मामला दर्ज कराया गया है, जिसकी जांच आज भोपाल लोकायुक्त तो टीम ने सिरोंज पहुंचकर की है। कुरवाई पठारी से आशीष शैले की रिपोर्ट। हेल्पर से बात कराई गई और ये हेल्पर हैं प्रताप बानू, इनको इन्होंने फिर आगे चार्जिंग इनकी प्रेजेंस में सर्च की कार्रवाई की। सर कुछ ये तो इनका ऑफिशियल वो है, तो इन्वेंट्री की कार्रवाई की गई है जी, और सर्च लिस्ट में तो अभी ऐसा कोई इंक्रिमिनेटिंग डॉक्यूमेंट उनका मिला, क्योंकि वो तो यहाँ रहते कम है, लेकिन अब कार्रवाई के अनुक्रम में करा जाना आवश्यक है और उनके घर पे प्रॉपर कार्रवाई जाए। ये टेंडरिंग घोटाले से संबंधित तो नहीं है ये कल जो लोगों को? नहीं नहीं नहीं, ये इनकी आय से अधिक संपत्ति से संबंधित केस है और इसमें ये टेंडरिंग। यहाँ से कोई जब्ती वगैरह बना इधर? नहीं, अभी ऐसा कोई इंटरमीडिएट डॉक्यूमेंट नहीं है। तो ये खुला रहेगा इसको? नहीं नहीं, सर सील करेंगे, सील करके सील करेंगे। हाँ एक्चुअली सील कर, नहीं सील नहीं, उनको कॉपी कार्रवाई अपनी कार्रवाई करके चाबी उनको जो हेल्पर है उसको दे दिया जाएगा। सील करने की आवश्यकता? रिकॉर्ड मकार्ड नहीं उसके, एक्चुअली ये केस आय से अधिक संपत्ति से संबंधित है जी, इसलिए उनके आय और व्यय से संबंधित दस्तावेज ही ढूंढे जा रहे हैं जी, है ना। जो ऐसा कोई अभी, क्योंकि ये यहाँ रहते ज़्यादा हैं, कभी कभी आते हैं, तो ऐसा कोई इंप्लीमेंटिंग डॉक्यूमेंट मिला है। पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहुंचे दतिया आज सुबह 9:00।